परम सत्कार योग। मेरे बहुत ही प्यारे नौजवान, मेरे बुजुर्ग, सत्कार योग मेरिया भैन, फतेह प्रवान करियो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेरा ख्याल है आपां सारे बहुत चंगी तरह जिस तरह दीआं चालां सरकार चल रही है उहदे तों वाकब बखूबी हाँ, जाणदे हाँ कि सरकार की चालां चल रही है। ते नाल दी नाल ये भी गल जरूरी है कि असी उहदा उहनां उहदीआं चालां दा मुकाबला किवें करना है, ये अपनी सारयां दी इक जिम्मेवारी बन जांदी है कि उहदा मुकाबला किवें करना है। सरकार ने एक षडयंत्र रचिया कहांगे, क्योंकि षडयंत्र इसलिए कहना पै रहा है। असी परसों साडी प्रशासन दे नाल मीटिंग हुई है, जिहड़े लोग जिहड़े अफसर ये कहिंदे ने कि करोना फैल रहा है, सोशल डिस्टेंस की लोड़ है, आपसी दूरी बना के रखने की लोड़ है, और जिथे साडी मीटिंग हो रही सी उत्थे कुर्सी दे नाल कुर्सी जोड़ के डाही गई है, इहदा मतलब की निकलता है? जेकर सच विच ये कुछ होवे तां फिर उत्थे उहनां नूं उहदे ते प्रकॉशन लैने जरूरी सी, पहले प्रशासन नूं उह नहीं लै जा रहे। इस तों अगली गल आपां सारयां ने देखिया है कि जिथे तां रैली करनी है, चोन रैली करनी है, साडी सरकार ने साडी पोलीटिकल पार्टियां ने उत्थे ते करोना नहीं, पर जिथे किसानां दा अंदोलन चल रहा है उत्थे करोना दे बहानेबाजी बहाने घड़े जा रहे ने। और इस बहाने सरकार ने पिछले दिनों दे विच तुसीं सारयां ने खबरां सुनियां, खबरां पढ़ियां कि ऑपरेशन कलीन चलाउण दीआं कोशिशां सरकार वल्लों कीतियां जा रहियां सी। पर मेरे दोस्तों, आपां जिन्ने कु सतर्क होए हैं, जिन्नी कु तुहाडी इस मोर्चे दे विच शमूलियत वधी है, उसने एक सुनेहा दिता सरकार नूं कि किसान तुहाडे अजिहियां धमकियां तों, अजिहियां गिद्दड़ भमकियां तों डरन वाले नहीं। किसान मुड़ दुबारा इस अंदोलन दा हिस्सा बन चुके ने, भावें खेती कारण किसान आपदे घरां दे विच कम च रुझे सी और उन्हां लोकां ने कम छड के दुबारा इधर नूं आउणा शुरू करता, ये आपां मोहर ला दित्ती, जिहदे नाल अज सरकार प्रशासन भावें होर चालां तां चल रहा है लेकिन इहदे तों कुछ पिछे हटिया नजर आ रहा, क्योंकि प्रशासन की मीटिंग दे विच डीसी SSP वल्लों ये गल आई कि नहीं जी ऐसी कोई गल नहीं, ये अफवाहां फैल रही हैं, तुसी लोकां दा इकट्ठ ना करो इत्थे ज़्यादा। तो पर फिर भी मैं तो ये कहूँगा कि असीं अंदोलन कर रही हाँ, सानू ये ठीक है गल कि बीमारियां आउंदियां हुंदियां, एक सधारण जी गल है, ये बच्चा बच्चा देश का हर व्यक्ति जानता है कि जो मौसम तब्दील हुंदा है, मौसम चेंज हुंदा है, उदो सुभाविक है कि हर व्यक्ति नूं जुकाम भी हुंदा है, हर व्यक्ति नूं खांसी भी लगती है, हर बहुत सारे आदमियों की छाती ब्लॉक भी हुंदी है, ये आम ही हुंदा, हर बारी हुंदा है, ये कोई नवा नहीं होया कोई कि साडे नाल ऐतकी नवीं वापरी है, और ये हुंदा उदों है जो मौसम चेंज हुंदा, तो मौसम चेंज अज हो रहा है, जिहदे करके सारा कुछ सुभाविक है। पर आपां नूं भी मैं ये कोई दिक्कत नहीं है इस गल दे उत्ते कि जे कोई तकलीफ है तो अपना मैडिकल दे प्रबंध ने बहुत वड्डी पद्धर दे उत्ते प्रबंध किए जा चुके ने, उन्हां दे कोलों अपने आप ये दवाई बूटी लैके तंदुरुस्त रहना, आपां अपने लिए रहना, आपां किसे लिए नहीं रहना, इन्हां गल्लां दा प्रिकॉशन भी आपां लैंदे रहना है, पर इहदा हउआ खड़ा कर देना कि बहुत वड्डी महामारी है, महामारी वाली कोई गल नज़र नहीं आई सानूं, क्योंकि इन्हां दे अपने जिहड़े गिनतियां मिनतियां है वह ये कहिंदियां ने, डॉक्टरां दी जिहड़ी रिपोर्टां ये कहिंदियां
कि जेकर कोरोना दे नाल 1.5% डैथ केस आने की संभावना है ते टीका लग जान तो बाद इन्हां दा दिल्ली दे विचों होई एक सर्वे कहिंदा है कि 10,000 दे मगर 3 केस आ सकते ने जदों टीका लगन तो नाल भी उन्हां दी डैथ हो सकती है। तो फिर मैनू लगता कि टीका लगन नाल कोई बहुता फर्क तो पैण वाला नहीं, कादी ड्रामेबाजी है जे 3 केस 10,000 दे मगर वह भी जाने ही है साढ़े ही तो हो सकता असी अगर टीके लवा के बह जाइए तो इन्हों का जिम्मेवार कौन बने। प्रशासन को असी कही सी गल कि ला दो टीका कोई दिक्कत नहीं, पर जेड़ा 10,000 मगर 3 व्यक्तियों की मौत होनी यकीनी है तुहाडी रिपोर्ट के मुताबिक उन्हों का जिम्मेवार कौन बनता है? कि DC बनता है कि SSP बनता है? तो उन्होंने हाथ खड़े है जी नहीं। तो जे तुसी जिम्मेवार ही नहीं बनते तो मतलब साडे बंदियां नूं मारन वास्ते टीके ला रहे हो। तो ये गल जिहड़ी है सरकार दी अजिहियां गल्लां बातां जदों सामने आउंदियां है तो बहुत कुछ इहो जिहा निकल के आउंदा कि एक ड्रामेबाजी हो रही है देश दे विच साडे अंदोलन नूं तोड़न दी। पर असी अज दी स्टेज तों और लगातार साडे आगू कहिंदे आ रहे ने साडा हर व्यक्ति इस अंदोलन दे विच जिहड़ा भी बैठा जिहड़ा इहदा हिस्सा बनिया बैठा है वह ये सोच के बैठा है कि मेरी अगर जमीन चली गई तो मेरी आने वाली नस्ल ही खत्म हो जानी है, मेरी नस्ल ने रोटी नहीं खा सकनी, मेरे परिवार ने तबाह हो जाना है। तो जेकर परिवार के तबाह होने नू दी लड़ाई नू जितना है कि असी आपका परिवार तबाह नहीं होने देना तो आ लड़ाई सानू हर हाल के लड़नी पैनी है। अगर सरकार चाहती है कि इतों करोना का बहाना ला के या किसी भी कारण अगर सचमुच सरकार समझती है कि यह करोना है, अगर सचमुच समझती है तो सरकार को यह करना चाहिए कि तुरंत ऐलान करे कि असी ये जिहड़े काले कानून लैके आते हैं ये रद्द करते हैं और ये लोग आपो अपने घरों में चले जाण। ये कहना बनता सरकार का एक कि वड्डी गल है कि सरकार अज कानून के उत्ते अड़ी हुई है भी कानून असी वापस नहीं लैने ते तुहाडे ते जबरदस्ती कुहाड़ा ठाउण दी कोशिश कीती जा रही है। तो इहदा मतलब की है कि करोना एक बहाना है। अगर सचमुच सरकार करोना दे नां ते लोकां नूं उठाउणा चाहुंदी है कि करोना है और देश लई फिक्रमंद है इत्थों दी जनता दे लई सरकार, तो सरकार वास्ते बहुत वधिया तरीका यही है कि कानून वापस लवे और साडा फसल की जिहड़ी विक्री का कानून है जिहड़ा गरंटी जिहड़ी असीं मंगदे आ MSP की वह MSP की गरंटी का कानून बनावे और किसान आपो अपने घरों नूं जाण। इत्थे कोई सानू किसी डॉक्टर ने दस्या जां किसी साधु संत महात्मा ने दस्या भी असीं इत्थे बैठना असीं आपदे घर छड्ड के बैठे हाँ 6-6 महीने तिकर बैठना सालां बद्धी बैठना ये कोई साडी कोई साडी फितरत नहीं है साडे कोई नसीब दे विच नहीं लिखिया कि असीं तां बैठना बैठना। पर जिन्नी देर तक ये कानून रद्द नहीं हुंदे असीं समझदे हां कि असीं ते फिर जे करोना नाल भी मरना है तो सरकार असीं आपदे बच्चों नूं ज्यौंदिया रखण दे लई ये लड़ाई लड़नी साडी जिम्मेवारी है और ये लड़ाई अंतम तक अंतम साहां तक लड़ांगे चाहे कुछ भी होवे सरकार जो भी करना चाहुंदी है करे लेकिन असीं पिछे नहीं हटांगे। अगर सरकार दे अंदर जरा जिन्नी भी दयानतदारी है ईमानदारी है और सचमुच समझदी है कि करोना है तो इक्को ही तरीका सरकार कोल कि कानून वापस लवे और एक किसानां नूं अपील करे कि असीं कानून वापस लैने और किसान अपने घरों करी जाण तां ही जाके खेड़ा छुटना है तां ही ये गल बननी है। जेकर सरकार ये नहीं करती तो यह बिल्कुल जानदारी नहीं फिर एक करोना का एक बहाना है करोना एक ड्रामा बना के एक हवा खड़ा करके साडे अंदोलन नूं बखेरना चाहती है जिन्हों असी किसी भी कीमत के उत्ते बिखर नहीं देवांगे। धन्नवाद दोस्तों हथ खड़े करके प्रवानगी दिओ। जो मैं एक दिन बेनती करके गया सी कि आपां मगरलियां नूं सदना मगरलियां नूं ईमानदारी नाल दस्सो भी सद रहे हो मगरलियां नूं तकड़े होकर सदो गिनती वधाइए मोर्चे नूं मजबूत करिए ताही जाके असी इस मोर्चे नूं दबाव बन गया तुहाडे जिन्ने कि तुसी आउणे शुरू होए हैं। सरकार ये कहन लग पी कि गैदरिंग ज़्यादा ना करो असी कोई तुहाडे उत्ते अजिहा ऑपरेशन क्लीन नहीं करन वाले इहदा मतलब तुहाडे आउण नाल होया है। सो इस करके वड्डी गिनती दे विच आपां इत्थे आपदे मोर्चे नूं संभालना चलाउणा है और ये कुछ गल्लां जिहड़ियां हर एक वक्त दे समें दे मुताबक
अंदोलन की रूपरेखा की बननी है, अगे किवें लड़ना की करना, यह बहुत सारिया अपन सोच के विचार के विषय ने जिहड़ा सोच सोच के हर एक कदम चक रहे हैं दोस्तों। और जिहड़ा भी कदम चक रहे हैं तुहाडी भलाई दे लई, किसानी की भलाई दे लई, मोर्चे की भलाई दे लई, कि मोर्चा किसी भी कीमत के उत्ते फेल नहीं होना चाहिए। मोर्चे जो जित के जेतू हो के निकलना है फिर यह सोच सोच के कदम चकना पएगा, क्योंकि सरकार बड़ी षडयंत्रकारी है और षडयंत्रकारी जो लोग हो जिन्हें लड़ रहे होइए तो उत्थे सानू उस तो ज़्यादा कई गुणा ज़्यादा बुद्धिमान होकर चलना पैना है। सो इन्नी बेनती प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।